बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह से हम किसी कपड़े के ऊपर किसी टेक्स्ट को बिल्कुल फिट कर सकते हैं, जिससे कि लगे कि हाँ वो कपड़े में ही है, न कि अलग से जोड़ा गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का ये ट्यूटोरियल। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक इमेज है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इमेज की एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है। तो यहाँ पर आएंगे हम, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, इसको हम नाम दे देंगे डिस्प्लेस। डिस्प्लेस कमांड का यूज़ हमें यहाँ पे करना है, तो इसके लिए हम इसका नाम डिस्प्लेस डाल देते हैं। ओके, ये हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे आकर के जो है ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक कर देना है। और ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया। ओके, अब हम इस ये जो है इसको क्लोज कर देते हैं, और इस फाइल को हम सेव करेंगे, सेव एस, और आ जाएंगे डेस्कटॉप पर। यहाँ पे पहले से फाइल सेव है डिस्प्लेस के नाम से, हम डिस्प्लेस वन कर देते हैं इसको। ओके, और इसको सेव कर देते हैं, ये फाइल जो सेव हो गई। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। ओके, बंद करने के बाद हम आ जाएंगे वापस अपने पहले वाले इमेज पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। हमने टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे टाइप कर लिया शिवा। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये हमने बड़ा कर लिया, इसको थोड़ा और टेढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अलग से ही लगा हुआ लग रहा है, कि अलग से इस पर टाइप किया गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम जो हमारा टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट है, इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसका जो लेयर है उसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे जो है फिल्टर मेनू में, यहाँ पे डिस्टॉर्ट कमांड का सब कमांड डिस्प्लेस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, इनको ऐसे रहना है, कुछ नहीं करना है, हमें ओके पर प्रेस करना है। इसके बाद हमने ये फाइल जो सेव की थी डेस्कटॉप पर डिस्प्लेस वन के नाम से, इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ये हमने ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो इमेज जो है, जो अभी हमने टाइप किया था जो टेक्स्ट, वो किस तरह से इस कपड़े के ऊपर अरेंज हो गया, व्यवस्थित हो गया। ऐसे लग रहा हम कहीं पर भी ले जाएंगे उसको, कपड़े के किसी भी हिस्से में ले जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो उसी तरह से लगेगा कि जैसे पहले से ही प्रिंटेड है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक बार हम वापस सेलेक्ट करके हम आ जाएंगे यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई सेलेक्ट करने पर भी हमें कुछ यहाँ से हम और चेंजेस करते हैं, जैसे नॉर्मल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं हम। ये स्क्रीन है, तो ये देखिए इस तरह से थोड़े डिफरेंस, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आप कलर में। ठीक है, अभी नॉर्मल एक बार वापस नॉर्मल लेते हैं हम। इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से जो है इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। ये हमने ये देखिए, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इसकी ओपेसिटी कम या अधिक भी कर सकते हैं। और या फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक करके अगर आते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शेडो वगैरह है तो वो भी दे सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ग्रेडियंट कलर भी उसमें हम फिल कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे आते हैं तो एक बार मैं यहाँ से दूसरा कोई कलर ले लेते हैं ग्रेडियंट का। ये देखिए यहाँ से हम जो कलर चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि हमारा जो डिज़ाइन है वो एक अलग तरह का डिज़ाइन हो जाएगा, और जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कपड़े पे पहले से ही प्रिंटेड है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।